हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं भाई? 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं। कल अपनी क्लास नहीं लग पाई थी तो आज ही हम आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग का स्ट्रक्चर आप एटम में चल रहा था। चलिए, हमारा चल रहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पूरी तरह से समझा दिया था। उसके क्वेश्चन आप धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। और हम आप चलते हैं अगले पॉइंट पर, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। बच्चों, हम सब जानते हैं कि सबसे पहला हमको डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को वेव एंड पार्टिकल दोनों तरह से माना, वेव और पार्टिकल दोनों तरह से माना। ये आप पढ़ चुके हो डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपने लेमडा भी कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रॉन का लेमडा आपने कैलकुलेट कर लिया था, वेवलेंथ आपने कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। दूसरा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, यह भी आपने कैलकुलेट कर लिया था, और इसमें भी आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ को समझ लिया था। तो और अब तीसरा शुरू होता है इरविन श्रोडिंगर, यह भी फिजिक्स का साइंटिस्ट है, यह भी फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, और ये भी फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। इनको फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया तीनों को। और इरविन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रूप दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है जिसको हम प्रोबेबिलिटी वेव कहते हैं, और यह तीनों एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर एक साथ प्रोपेगेट होता है, चलता है। इसकी वेलोसिटी होती है, इसकी आप लोकेशन जान सकते हैं। लोकेशन कैसे, मतलब तीनों लोकेशन जानने के लिए, पर लोकेशन वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होती है। ये आपने देखा ही है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत में कि मोमेंटम और लोकेशन पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अकेला लोकेशन कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, अकेला वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। चलिए, तो तरंग समीकरण तो लिखिए, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन को तरंग मानकर, इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी वेव मतलब होता है प्रायिकता तरंग प्रोबेबिलिटी वेव मानकर तरंग समीकरण प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो यह तरंग एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पर, तीनों अक्षों पर ये तीन एक्सेस अपन मानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर
नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गति करती है तीनों एक्सिस पर एक साथ। समस्या ये है, एक साथ, ठीक है, माने एक्स अक्ष पर भी प्रोपेगेट हो रही है, वाई पर भी, जेड पर, तीनों अक्षों पर एक साथ प्रोपेगेट हो रही है। तो हम यह जो तरंग समीकरण है वो समय के सापेक्ष, जब समय को डिपेंडेंट कर ले तब भी निकालते हैं, और समय को इनडिपेंडेंट माने समय पर निर्धारित ना होकर के भी निकालते हैं, तो दो तरह से निकालते हैं। तो ये एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर नाभिक के चारों ओर प्रोपेगेट होती है, माने हिंदी में क्या बोलेंगे, संचरित होती है, ठीक है। और तो हमने इलेक्ट्रॉन को प्रायिकता वेव माना, प्रायिकता वेव, प्रोबेबिलिटी वेव, ठीक है। अगली बात, मैं आपको सीधा, देखो श्रोडिंगर तरंग समीकरण में कुछ क्वेश्चन आने नहीं कि क्या है, पर अपन इसका रिजल्ट लिखते हैं सीधा। तरंग समीकरण का मैं लिख रहा हूं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये है, डी टू साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। यह एक तरंग समीकरण है, यह तरंग समीकरण एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के एलांग प्रोपेगेट करने पर दिया गया है। तो पहले आप इस समीकरण को लिख लें, जहां पर डी टू साई अपान डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द सेकेंडरी डेरिवेटिव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव ऑन एक्स एक्सिस। इट इज सेकेंडरी डेरिवेटिव with respect to x-axis. This is the secondary derivative with respect to x-axis. यह x-axis के सापेक्ष, यह x-axis के सापेक्ष secondary derivative है। बेटा क्योंकि आपके यहाँ disturbance हो रहा है, सेकेंडरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, अगर हम ये लेते हैं, ये ले लेते हैं दूसरा, ये पहला वाला लिया मैंने, आप दूसरा वाला लिखोगे तो ऐसे सेकेंडरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस हो जाएगा। यदि आप ये तीसरा लेते हो तो सेम सेकेंडरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस हो जाएगा। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये पूरा टर्म क्या है, हम आंसर देंगे सेकेंडरी डेरिवेटिव है। इसका दो बार साई का दो बार डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर यह प्रोडक्ट मिलता है हमको, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, तो यह सेकेंडरी डेरिवेटिव है एक्स अक्ष के अलोंग। लिखिए जल्दी से, लिख लिया सब लोगों ने ये पॉइंट, एक लिख लो बस, कभी क्वेश्चन आ जाए कि इस वेव में यह टर्म क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि दिस इज द सेकेंडरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दिस इज द सेकेंडरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलिए ये हटा देते हैं आप, अब
अकेला ये क्या, पहले ये देखो एक्स वाई और जेड, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस जिसे अपन बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सेस जो होती है वो है एक्स वाई जेड, तीन अक्षे हैं, थ्री ज्योमेट्रिकल एक्सेस, ज्यामिति अक्ष, एक्स वाई जेड तीन ज्योमेट्रिकल एक्सेस होते हैं। तो एक्स वाई जेड आपको क्लियर हो गया। फिर पाई सब जानते हैं, एम मास ऑफ पार्टिकल, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। अब यहां पर आपका जो पार्टिकल है वह इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल है। एच वही आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। फिर ई क्या है, ये जो ई है यह है इलेक्ट्रॉन माने पार्टिकल। अब अपन ने पार्टिकल मान लिया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जब हम पार्टिकल मान चुके हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक्चुअली अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो दोनों गुण हैं इसमें, यही आधार तो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का, कि कण तरंग सिद्धांत जो दिया था उसी के आधार पर यह डेवलप हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है जिसे हमने ई से रिप्रेजेंट किया था, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है जिसे हमने ई से रिप्रेजेंट किया था। वी जो है यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, यानी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये दो एनर्जी है E माइनस वी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज अब बात आती है ये, अब इसको समझना साई, तो साई जो होता है ये लिख लें जल्दी से, हो गया ये, तो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लैंक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, ई माइनस वी। ध्यान सुनना, साई, अब बात आती है साई क्या है, ये जो साई, ये जो भगवान शंकर का त्रिशूल जो दिखता है उसके तरह का आपको जो दिख रहा है साई, कुछ लोग साई बोल देते हैं, कुछ लोग जाई बोल देते, इसकी स्पेलिंग है PSI। तो जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसे साई बोल देते हैं, साई, और जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मैं जाई बोलता हूँ, जाई, तो साई, PSI, पी साइलेंट है, PSI साई कहलाता है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं, इसका नाम है सिंपली बोल देते हैं वेव फंक्शन, तरंग फलन, वेव फंक्शन तरंग फलन, वेव फंक्शन कहते हैं इसे। इसको और अच्छा नाम दें तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसका एक और नाम ऑर्बिटल वेव फंक्शन, देखिए इसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन या तरंग फलन या ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब ये बतलाता क्या है, ये बतलाता है, अब इसको हटा देना ना, ये बतलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई का सबसे मीनिंगफुल जो चीज है वो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड माने आयाम, हिंदी में सब जानते हैं आयाम, इतना तो जानते हैं ना आयाम, मैंने बोल दिया था तरंग फलन, ऑर्बिटल तरंग फलन, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं ऑर्बिटल
तरंग फलन, ऑर्बिटल तरंग फलन, ऑर्बिटल तरंग फलन। तो साई का मतलब होता है ऑर्बिटल तरंग फलन। लिख लिया बच्चों, साई का पहला नाम वेव फंक्शन, दूसरा नाम ऑर्बिटल वेव फंक्शन, तीसरा नाम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, तीसरा नाम इलेक्ट्रॉन वेव का आयाम। अब आयाम तो सब जानते ही है ना, और यह साई जो है, साई का कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। साई हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, परंतु साई यह वेव फंक्शन, यह तरंग फलन, यह फलन ऐसा भी लिख सकते हैं, यह फलन इलेक्ट्रॉन की मोशन एवं लोकेशन, मोशन माने गति एवं लोकेशन माने स्थिति, गति एवं स्थिति को डिस्क्राइब कर यानी व्याख्या करने वाला फलन होता है। यह तरंग फलन इलेक्ट्रॉन की गति एवं स्थिति, यह तरंग फलन इलेक्ट्रॉन की गति एवं स्थिति की व्याख्या करने वाला फलन होता है। यह इलेक्ट्रॉन की मोशन एवं लोकेशन, मोशन माने गति और लोकेशन माने स्थिति को व्यक्त करने वाला फलन होता है। यह फलन साई, यह जो साई है, देखो बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी में साई और अंग्रेजी में जाई, थोड़ा सा सा और जा दोनों जाई जाई ऐसा। तो जाई जो है वो है हमेशा एक मान वाला सिंगल वैल्यूड, ठीक है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, सतत एक मान वाला सतत, और फाइनाइट होता है। हिंदी में फाइनाइट को क्या कहेंगे वो लिख लेना आप, ठीक है। तो जाई सिंगल वैल्यू, कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट, ये तीन उसके कैरेक्टर हैं, इसे आप जरूर लिखें। लिख लिया बच्चों, तो साई सिंगल वैल्यूड होता है, कंटिन्यूअस होता है और फाइनाइट होता है। साई का एक मान सतत और फाइनाइट होता है। कभी क्वेश्चन आए तो आप साई के ये तीन कैरेक्टर व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से तीन कैरेक्टर हैं साई के? साई एक मान वाला है, सतत है और फाइनाइट है। ये साई के तीन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ साई की बातें आपको कुछ समझ में आई कि नहीं आई? साई की ये बातें समझ में आई आपको? तो अब देखो, इस पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया नेट में, लेकिन बस हमको इसमें दिया हुआ है, किसमें? थोड़ा सा एनसीईआरटी में, और उसमें कुछ ग्राफ दिए हैं जिस पर क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि जहां नेट पर क्वेश्चन आते हैं। तो साई की ये छोटी छोटी बातें हैं,
आप कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये देखो हटा रहा हूं ध्यान से समझना, इसको हटा दो, साई 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 हटा दो, तो ये बचा डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान, अब डी स्क्वायर की बजाय ऐसे डी टू बोलते हैं, डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपान डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर, इसे बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, यह एक ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या इसमें लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, तो साई हटा देना, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर बोलते हैं। अब बोले ये है क्या, तो इलेक्ट्रॉन स्पेस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह पहुंच जाता है इसकी व्याख्या करता है। देखिए यह ऑपरेटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेव फंक्शन माने तरंग फलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से चेंज हो जाता है इसकी व्याख्या करता है। यह फलन डेल स्क्वायर जैसे आप लाप्लासियन ऑपरेटर कह रहे हैं, यह तरंग फलन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तरंग फलन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार चेंज हो जाता है इसकी व्याख्या यह फलन करता है। यह पूरा फलन जो है जिसको आप लाप्लासियन ऑपरेटर कह रहे हैं ये करता है। ये जो एनर्जी होती है ये कुल ऊर्जा है और इसका मान पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के योग के बराबर होता है। ये जो कुल ऊर्जा है इसका मान पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों के योग पर योग के बराबर होता है। अब साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं थी, साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं थी, पर साई का स्क्वायर इसकी कोई भौतिक सार्थकता है। साई स्क्वायर किसी निश्चित वॉल्यूम में माने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दर्शाता है, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दर्शाता है जिसे आप प्रायिकता घनत्व कहते हैं। तो ये आपका जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर का नाम है प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर का मान नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साई स्क्वायर क्या व्यक्त करता है, तो साई
पाई स्क्वायर व्यक्त करता है किसी बिंदु, ये छोटा सा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। जरा सोचो कि अगर मान लो ये पॉइंट, जैसे आप बोलते हो एक सेंटीमीटर, ये पूरा एक सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, एक सेंटीमीटर क्यूब बन गया, एक सेंटीमीटर क्यूब माने एक निश्चित आयतन हो गया, एक बिंदु हो गया है, ठीक है। एक निश्चित आयतन में यानी एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो उसे हम बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रायिकता घनत्व। तो क्वेश्चन आया साई क्या है, तो मैंने साई बता दिया। साई याद कर लेना क्या है, एक तरंग फलन, ऑर्बिटल तरंग फलन क्या बतलाता है ये, ठीक है। साई, साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, साई का कैरेक्टर क्या है, वह हमेशा एक मान वाला, ठीक है, और सतत आइनाइट होता है। तो ये कुछ चीजें आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसे बहुत वाइड रेंज में, मतलब आप जैसा विजुअलाइज कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन और एटम ऐसा वैसा संभव नहीं है, ये तो उधर जब आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे और बहुत हाई लेवल की जब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ये चीजें आती हैं जो कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमको इतना है ही नहीं। पर जो मेन मेन बात है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं इस सिचुएशन पर, वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि साई पर आ सकता है। अकेला ये पूछ लें कि इस तरंग फलन में ये क्या है, बस इतना तो हमने लिख दिया कि इस तरंग फलन में यह क्या है, एक्स अक्ष पर, बोलो एक्स अक्ष पर यह सेकेंडरी डेरिवेटिव है, सेकेंडरी डेरिवेटिव ऑफ द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरह ये वाई एक्सिस पर हो गया, उसी तरह ये जेड एक्सिस पर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहे कि इसमें ये क्या है, तो आप बोलेंगे यह इलेक्ट्रॉन की या पार्टिकल की कुल ऊर्जा है जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों का योग होती है, और ये क्या है फिर, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, साई पूछ सकते हैं, साई स्क्वायर पूछ सकते हैं। तो साई स्क्वायर क्या हो गया, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता, प्रायिकता लिखे अपन प्रायिकता, तो इसे हम बोलते हैं प्रायिकता घनत्व। अब प्रायिकता घनत्व देखो क्या है, जैसे ये बिंदु है, सपोज आपका ये बिंदु है, अब ये खाली भी तो हो सकता है, यहाँ कुछ ना हो, खाली हो, ये पूरा भरा हो सकता है, ये आधा भरा हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता कितनी है, इलेक्ट्रॉन जीरो भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है, जिसे आप एम्पलीट्यूड कहेंगे, एम्पलीट्यूड सब जानते ही हैं, ये देखो सब इलेक्ट्रॉन वेव जानते हैं कि नहीं, ये जैसे ये वेव है, तो ये क्या होता है आपका नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। इस वेव की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जोन ये हो गया, और धीरे धीरे घटते घटते यहां पर जीरो हो गया, तो ये आपका एम्पलीट्यूड को साई बतलाता, और ये साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता, ठीक है, या प्रायिकता, तो यहां पर मैं अधिकतम नहीं बोलूंगा, केवल क्या बोलूंगा, प्रायिकता, इसे आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसे आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यदि आप अधिकतम बोल दोगे तो ऑर्बिटल बन जाएगा, और न्यूनतम बोल दोगे, जीरो बोल दोगे, तो वो नोड बन जाएगा। तो अब आप ध्यान से सुनना, अब इसके क्वेश्चनों को, अब यहां से आपका, यहां तक की बातें आपको सिंपली समझ में आ गई होंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है इक्वेशन, आप बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, हमको जो आएगा वो हमसे बन जाएगा बस। देन यहां देखो, मैं वो लिख रहा हूं ऑर्बिटल की डेफिनेशन, कक्षक, ध्यान से सुनना, त्रिविम का मतलब स्पेस में, तो और कैसा, थ्री डायमेंशनल स्पेस, जिसे अपन त्रिविम बोलते हैं, त्रिविम, थ्री डायमेंशनल रीजन, त्रिविम में
वे क्षेत्र, अच्छे से सुनना, त्रिभुवन में वे क्षेत्र जहां नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, अधिकतम होती है उस त्रिविमीय क्षेत्र को, उस त्रिविमीय क्षेत्र को, या उसको सीधा लिख लेना ऑर्बिटल कहते हैं, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ये देखिए, ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, इसी तरंग समीकरण से हमको प्राप्त होती है, इसी तरंग समीकरण का हिस्सा है ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन। तो लिखिए, त्रिभुवन में वे क्षेत्र जहां नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, प्रायिकता अधिकतम होती है, ऑर्बिटल कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। तो पहली चीज त्रिभुवन हो गया, दूसरी चीज नाभिक के चारों ओर हो गया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा, ये भी हो गया, जानते हैं सब, हम पहली क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हर ऑर्बिट में एक निश्चित होती है। तो ये हो गया। फिर अब है सबसे पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये, प्रायिकता अधिकतम होती है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो यह प्रायिकता बतला रहा है, प्रायिकता, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, हम उस क्षेत्र को ऑर्बिटल कहते हैं। वह नाभिक के चारों ओर होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, उस निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां पर अधिकतम प्रायिकता होती है, वह क्षेत्र कहलाता है ऑर्बिटल। बोलो, ऑर्बिटल का पॉइंट आपको क्लियर हो गया सबको? बोलो, सबको क्लियर हो गया? और ऑर्बिटल के अंदर वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है, शून्य, पूरा ऑर्बिटल नोड की परिभाषा लिखा रहा हूं, नोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है, इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी वेव है। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है, ये देखिए यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यदि प्रायिकता शून्य हो जाए तो उसे हम कहते हैं नोड, और प्रायिकता अधिकतम हो जाए तो हम उसे कहते हैं ऑर्बिटल। तो दोनों की बातें आपको एकदम क्लियर हो गई कि नहीं, कि क्या ऑर्बिटल है और क्या नोड है? तो ऑर्बिटल वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, और यह जो प्रायिकता है, ठीक है, शून्य हो जाए तो वही कहलाने लगता है नोड, ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? तो लिखिए इसको, अब लिखिए साई के मान, साई के मान तीन वेरिएबल, साई के मान तीन वेरिएबल पर निर्भर करते हैं,
xi के मान तीन वेरिएबल्स पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये n l m, n इनको n l m कह सकते हैं, इसलिए psi का निरूपण इस तरह करते हैं, n l m कहते हैं। इसलिए साई को इस तरह से निरूपित किया जाता है, देखिए साई को निरूपित करने का तरीका एन एल एम है, एन एल एम, साई को एन एल एम तीन चीजों से निरूपित करते हैं, एन एल एम तीनों से निरूपित किया जाता है, ध्यान से देखिए। तो अब कभी आए तो एन एल एम, अब बात आती है ये जो एन है ये किस पर डिपेंड है, एल किस पर डिपेंड है, एम किस पर डिपेंड है, ध्यान देना। इस साई को इस तरह से निरूपित किया जाता है, साई को निरूपित करने के लिए हम दो, एक तो रेडियल फंक्शन होता है और दूसरा होता एंगुलर फंक्शन होता है। तो साई का निरूपण एक रेडियल फंक्शन और दो एंगुलर फंक्शन थीटा और फाई होते हैं, ये आर ये होता है रेडियल फंक्शन, इसको बोलते हैं हम रेडियल फंक्शन, और ये दोनों दो प्रकार के एंगल हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंगुलर फंक्शन, एंगुलर फंक्शन हिंदी में लिख सकते हैं हम कोणीय फलन, कोणीय फलन, और ये है रेडियल फंक्शन माने त्रिज्य फलन, त्रिज्य फलन इसको आप त्रिज्य फलन लिख सकते हैं, त्रिज्य फलन। तो साई, साई को निरूपित करने के लिए दो प्रकार के फलन का उपयोग किया जाता है, एक है रेडियल फंक्शन जिसे हम बोलते हैं त्रिज्य फलन और दूसरा होता है एंगुलर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं कोणीय फलन, जिसे हम बोलते हैं कोणीय फलन। ध्यान से सुनना, ये जो साई है आर थीटा और फाई, आर के मान एन पर निर्भर करते हैं, ये आर का जो मान है वह एन पर निर्भर करता है। त्रिज्य फलन, त्रिज्य माने क्या होता है, त्रिज्य का मतलब आप समझते हैं ना, त्रिज्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, आखिरी जहां तक वो ऑर्बिट तक की दूरी अपन बोलते हैं त्रिज्या, तो अपन उसको त्रिज्य फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आर का मान जो निर्भर करता है वो एन पर, और थीटा ऐसा तरंग फलन है जो कि एंगुलर फंक्शन है, माने आपका जो तरंग फलन है दो प्रकार से, एक त्रिज्य फलन होता है और दूसरा कोणीय फलन होता है। तो जो थीटा होता है, जो थीटा होता है वो एल और एम पर डिपेंड करता है, एल मतलब सब जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम सब जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो फाई फंक्शन होता है वो केवल एम पर डिपेंड होता है। तो कोणीय फलन हम बोलते हैं कोणीय फलन के मान एल और एम दोनों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कोणीय फलन ये दो है और त्रिज्य फलन एक है, तो त्रिज्य फलन के मान केवल n पर निर्भर करते हैं और कोणीय फलन के मान l और m दोनों पर, थीटा वाला l और m पर और फाई वाला अकेले m पर। तो इस तरह से ये जो कोणीय फलन है उसके मान l और m दोनों पर निर्भर करते हैं, जबकि त्रिज्य फलन के मान केवल n पर निर्भर करते हैं। तो फटाफट ये बात को आप लिख लें। अब कभी क्वेश्चन आए कि भाई ये साई जो है, साई का निरूपण तो बताओ, तो तुम बड़े आसानी से बता सकते हो साई एन एल एम, एन एल एम सब जानते हैं, एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। L का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या, दिगंती, दिगंती क्वांटम संख्या। M का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय
क्वांटम संख्या। तो आपकी तीन क्वांटम संख्याएं हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो साई के मान है वो एक त्रिज्य फलन और दूसरा कोणीय फलन पर निर्भर करते हैं। साई के मान दो फलनों, कोणीय फलन, त्रिज्य फलन और कोणीय फलन पर, ये दो कोण बनते हैं, दो कोणीय फलन है और एक त्रिज्य फलन है, ठीक है। रेडियल फंक्शन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन। तो अब कभी क्वेश्चन आए कि साई के मान किन किन फलनों पर निर्भर करते हैं, तो साई तरंग फलन के मान त्रिज्य फलन एवं कोणीय फलन दोनों पर निर्भर करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिज्य फलन किस पर निर्भर करता है, तो एन पर निर्भर करता है, और कोणीय फलन किस पर निर्भर करता है, तो एल पर भी निर्भर करता है और एम पर भी निर्भर करता है। आपका जो थीटा फलन है वो एल और एम पर, और जो फाई है वह एम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब आपको ये निरूपण हो गया क्लियर, लिख लिया सबने। ये देखो जो आने वाले क्वेश्चन है वो इस, ये जो वेव इक्वेशन है ये कैसे आया। अब जैसे मान लो डेरिवेशन करें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी से वहां डेरिवेशन करें, डेराइव कर करके आप ये ले आओगे, बीच में डेरिवेशन का कोई काम नहीं, हमको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डेरिवेशन पर, क्या मतलब उसमें एनर्जी लगाने से, मैं उसमें एनर्जी लगाऊं तो फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया, शाही क्या है, उसके क्या कैरेक्टर है, एक मान वाला, सतत और फाइनाइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साई क्या व्यक्त करता है, ऑर्बिटल तरंग फलन को वो क्या व्यक्त करता है, वो सब बात समझा दी। साई स्क्वायर क्या है, तो वह प्रायिकता घनत्व है, अर्थात वो क्या व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है किसी निश्चित बिंदु पर, किसी एक डेप्थ पॉइंट पर, एक निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दो प्रकार से हो सकती है, अधिकतम हो जाए तो हम उसे ऑर्बिटल कहते हैं, और शून्य हो जाए तो हम उसे नोड कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और बताओ ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। और साई तरंग फलन का निरूपण एनएलएम से कर सकते हैं, और आर थीटा और फाई दो फलन होते हैं साई तरंग फलन में, दो प्रकार के फलन होते हैं, एक त्रिज्य फलन और एक कोणीय फलन। कोणीय फलन में फिर दो होते हैं, एक फलन होता है थीटा, दूसरा फलन होता है फाई। अब आर का मान केवल, जो कि रेडियल फंक्शन है, त्रिज्य फलन है, केवल एन पर निर्भर करता है। थीटा का मान एल और एम दोनों पर निर्भर करता है, फाई का मान एम पर निर्भर करता है। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि साई जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसका निरूपण, तो हम आंसर देते हैं बस एन एल एम। अर्थात अब ध्यान से सुनना, अर्थात जो लास्ट ईयर आपको आया ऑर्बिटल, जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ऑर्बिटल कितने क्वांटम नंबर के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो ऑर्बिटल तीन क्वांटम नंबर एन एल एम के द्वारा निरूपित किया जाता है। लिखिए ऑर्बिटल एन एल एम तीन के द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑर्बिटल का निरूपण एन एल एम, एन भी है एल भी एम भी है, प्रिंसिप मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीनों के द्वारा ऑर्बिटल का निरूपण, ऑर्बिटल को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ऑर्बिटल को अभिव्यक्त किया जा सकता है एनएलएम से। बोलो क्लियर हो गया। और ध्यान से सुनना आगे की एक और बात, यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम नंबर एन एल एम एल, एक दो तीन चार, चारों क्वांटम नंबर से व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करना है तो एन एल एम, चारों क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाएगा, जबकि ऑर्बिटल को जो लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन है एन एल एम से व्यक्त किया जाएगा,
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैं क्वांटम नंबर जब स्टार्ट करूंगा, आप चाहें तो इंग्लिश वाले फिर से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्वांटम नंबर अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने इसको, अब ध्यान से सुनेंगे। मैं सिंपल लिखता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या n के मान जीरो मान नहीं होता, फिर अपन पढ़ेंगे आगे तब मैं दोबारा समझाऊंगा, 1, 2, 3, 4 और इंफिनिटी तक जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका मुख्य कक्षा तो है। मुख्य कक्षा ही को तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर दिगंती क्वांटम संख्या जिसे आप L से निरूपित करते हैं, तो इसे 0, 1, 2, 3 इसमें जीरो नहीं होता, इसमें जीरो होता है, S के लिए जीरो होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप अभी लिख लेंगे, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 मान होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंती क्वांटम संख्या के। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे आप M से दर्शाते हो, इसके मान हमको अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल लिख देता हूं, S के लिए तो M का मान होता है 0, ठीक है, और P के लिए 3 होते हैं, PX होता है, PY होता है, PZ होता है, तो P में 3 होते हैं, ठीक है, और इसमें px के लिए मान -1 है, तो py के लिए +1 है, तो pz के लिए 0 हो गया। यदि इसके लिए तुमने +1 दे दिया इसको वैल्यू, इसको यदि आपने इसको +1 दे दिया तो इसको -1, तो इसको फिर 0, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं, इन दोनों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो n तो आप जानते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और अनंत तक पहुंच सकते हैं। और जो कक्षा में जो उपकक्षा होती है उसमें S के लिए मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, अभी आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, तो ये आप जनरल तो लिख लें। हो गया सबका, तो जो क्वेश्चन आने वाला है उस पर आ जाइए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं जिस पर आपको नीट के क्वेश्चन आएंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, सबको यहां तक की बात अच्छी तरीके से समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ मुझे यहां तक की बात, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपको यहां तक की बात समझ आ गई कि नहीं आई? यस आर नो? आ गई सर। अच्छे से पूरा क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साई क्या है और साई स्क्वायर क्या है, बाकी की छोटी छोटी बातें हैं और उनको मैंने इस तरह से लिखा दिया है कि आपको यदि क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा कि उसमें क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशन में क्या पूछा जा सकता है, क्या आपको आ जाए। अब हम बात करते हैं नोड की, ऑर्बिटल में स्थित नोड। ऑर्बिटल में नोड, तो ध्यान से सुनना, पहला लिख रहा हूं इसको, पहला बोल रहा हूं, त्रिज्य बोलिए या वृत्तीय बोलिए, वृत्तीय या बोलिए, तो
त्रिज्य वृत्तीय या गोलीय नोडों की संख्या, नोडों की संख्या, ये अपन संख्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चार पॉइंट हैं जो हमेशा आपसे पूछे गए हैं और आप पिछले साल के जब पेपर उठाएंगे तो यही आए हैं, ठीक है। तो त्रिज्य वृत्ति या गोलीय नोडों की संख्या बराबर से n माइनस l माइनस वन, n माइनस l माइनस n आपका भी लिख लिया आपने, मुख्य क्वांटम संख्या l आपने भी लिख लिया, एजी मुसलमान दिगंत की क्वांटम संख्या तो n माइनस l माइनस वन, तो ये दिगंसी क्वांटम संख्या एल है जिसके मान आपने अब भी लिख लिए हैं। क्या लिखे हैं आपने, एफ के लिए मान जीरो है, पी के लिए मान वन है, डी के लिए मान टू है, एफ के लिए मान थ्री है, ये एस पीडीएफ के लिए मान आपने लिख लिए हैं, एन का मान आप जानते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कोणीय नोडों की संख्या, कोणीय, अच्छा इंग्लिश में आप जानते हैं त्रिज्य का मतलब रेडियल है, वृत्त का मतलब सर्कुलर है और गोल का मतलब स्फेरिकल है, कभी आपको ऐसे आ जाए तो आप उनको भी लिख लो। कोणीय नोडों की संख्या, ध्यान से सुनना बच्चों, कोणीय नोडों की संख्या, एंगुलर नोड इंग्लिश में बोलेंगे अपन, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोडों की संख्या बराबर से एल होती है, एंगुलर नोड की संख्या एल के बराबर होती है। तो ये दो नोड हो गए, एंगुलर नोड की संख्या एल, ये वही एल है जो यहाँ पर इसका मान रखेंगे आप, वही मान यहाँ पर रखेंगे एल का, तो एल पर निर्भर करता है। तीसरा कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या, अब बताओ कुल नोडों की संख्या बच्चों, चार पांच, चार मेरे पास ब्लैक पेन है, दो मेरे पास ब्लू पेन है, टोटल कितने हो गए, छह, तो टोटल कर दो, दोनों को जोड़ दो, n माइनस l माइनस वन प्लस ये l, ये और ये दोनों को जोड़ दिया तो ये l से ये l कैंसिल हो गया, ये बना n माइनस वन। तो कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या n माइनस वन होती है, कुल नोडों की संख्या n माइनस वन होती है एक आर्बिटल के अंदर। चौथी बात बहुत ध्यान से समझना, अब नोडल तलों की संख्या, नोडल तलों की संख्या, तो ये जो नोडल तलों की संख्या है यह L के बराबर होती है, यह L के बराबर होती है, जितने कोणीय नोडों की संख्या होती है उतने ही नोडल तलों की संख्या भी होती है, उतने ही नोडल तलों की संख्या भी होती है। हिंदी में तल, तल मतलब प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन की संख्या, नोडल प्लेन की संख्या, नोडल प्लेनों की संख्या, बता ये लिख लें बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा वन, वन का मतलब आप समझना ये, टू बोलूंगा भैया दो निकालो, बार बार कोणीय नोड नहीं बोलूंगा एल, तीसरे नंबर पर कुल, तो दोनों को जोड़ दिया था माइनस वन आ गया, और चौथे नंबर पर नोडल तलों की संख्या एल। तो आपको दो फार्मूले तो याद करना है बस छोटे से, ये तो बराबर ही है दोनों के, ये तो दोनों बराबर हैं, और कुल का मतलब दोनों को जोड़ दें, तो केवल एक ही बात तो है, एन माइनस एल माइनस वन, ये तो अकेला एल है, एन माइनस एल माइनस वन, और दोनों को जोड़ दोगे तो एन माइनस वन आ जाएगा। बताओ समझ आ गया अच्छे से, बताओ समझ आ गया आपको अच्छे से ये? यस सर। तो इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है, ये है इंपॉर्टेंट, चलिए लिख लो जल्दी से इसको। कर दे क्लीन इसको आप,
तो यहाँ की बात आपको पूरी क्लियर हो गई। जैसे अब मैंने आपसे बोला कि 1s, 1s ऑर्बिटल है या 1s सबसेल लिख लें अपन, ये सबसेल है अभी पक्का। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है ये n दिख रहा है, n का वैल्यू 1 हो गया है, और ये जो आप देख रहे हो s, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। अब भी देखो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, होता है 0। अच्छा, अगर मैं 1s ऑर्बिटल लिखूं, ये 1s ऑर्बिटल, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये उपकक्षा लिखा मैंने, उपकक्षा मतलब सबसेल, उसमें दो ही चीज, उपकक्षा को आप दो से निरूपित करोगे, किससे, n से और l से, और ऑर्बिटल का निरूपण करोगे तो उसके लिए कितने लगेंगे, 3, आपका n भी लगेगा, l भी लगेगा, m भी लगेगा, ये 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल में बच्चों ये आपको दिख रहा है n का वैल्यू 1, माने ऑर्बिट 1 हो गया, ये आपको दिख रहा है l का वैल्यू 0। आपने अब भी 2 मिनट पहले जो मैंने n l m लिखवाए थे तो उसमें देखो n का मान आपने s के लिए 0 लिखा था। मैं पूरा समझाऊंगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को उपयोग में आ रहा है कि l और m वहां पे आपने लिखा है, जरा देख लो n l m तीनों। और तीसरा, अब ये हुआ सबसेल के लिए, ये तो मैंने वही लिखा, लेकिन सबसेल माने उपकक्षा के अंदर ऑर्बिटल होता है, उपकक्षा के अंदर ऑर्बिटल, जैसे बड़ी बिल्डिंग और बिल्डिंग के अंदर फ्लैट है, फ्लोर है, अब फ्लैट के अंदर गए तो रूम है, तो रूम माने ऑर्बिटल। तो यहाँ पर तीसरी बात, m और आ गया तो m का मान 0 हो गया। अब बताओ ये 1s ऑर्बिटल का निरूपण कैसा हुआ, बताओ, n l m। अगर मैं आपको ऐसा लिख देता हूं, साई का वैल्यू देखिए, n का है 1, l है 0, m है 0, तो ये आपका 1s ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं 1s ऑर्बिटल। बोलो समझ आ गया 1s ऑर्बिटल कैसे निरूपित हुआ, बोलो 1s ऑर्बिटल का निरूपण क्लियर हो गया सबको, कुछ तो बोलो। चलिए अब मैं आपको यदि मान लो 2s दे देता हूं, 2s का निरूपण करना है। अब एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो है वो तो n है जिसका वैल्यू 2 दिख रहा है, ये s है तो l का वैल्यू 0 है, और ये s है तो m का वैल्यू भी 0 होगा। s के लिए हमेशा m का वैल्यू 0 होता है, m का वैल्यू भी 0 होता है, l का वैल्यू भी 0 होता है। अभी थोड़ा सा आप समझ लेना, रट भी लेना कि s के लिए वैल्यू 0 है, क्योंकि मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, इसके बाद वही क्लास है आपके क्वांटम नंबर की। तो n का वैल्यू 2 बताओ, इसका निरूपण साई 2 0 0, ये हो गया। और इसी को तुम क्या बोलोगे, बोलो इसी को तुम क्या बोलोगे, शाई 2s, ये आपका शाई 2s हो गया। बताओ 1 साई 1s, साई 2s, तो अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं, साई 1s और साई 2s अगर कोई लिखे तो आप बता सकते हो कि क्या है। बोलो क्लियर है आप तुमको, बच्चो क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। तो बेटा उपकक्षा और कक्षा के लिए, उपकक्षा और ऑर्बिटल के लिए, दोनों के लिए हम कैसे लिखते हैं, वो लिखने का तरीका तुमको आ गया, ठीक है। जैसे मान लो मैं पी में देता हूं, पी में होता है 3 कक्षक है, पी में सब जानते हैं, एक हो गया पी एक्स, दूसरा हो गया पी वाई, तीसरा हो गया पी जेड, ये 3 है। अब मान लीजिए मैंने आपको कक्षा 2 दे दी, तो ये देखो n का वैल्यू, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, क्योंकि ये तो सब 2p का है,
बात अच्छे समझ रहे ना, तो बात क्लियर हो जाएगी। ये टू, इसमें भी एन टू है, इसमें भी एन टू है, इसमें भी एन टू। आप टू पी एक्स लिखते हैं, टू पी वाई लिखेंगे, टू पी जेड लिखेंगे। अब एल पर आ जाओ, एल इसका माइनस वन लिया तो इसका आप प्लस वन ले लो, इसका जीरो ऐसा ले सकते। अब एम आ जाओ, एम एम के वैल्यू पी के लिए, एक मिनट सॉरी, ये एल का वैल्यू वन है पी के लिए, देखो एक मिनट तब देख लो, अब भी लिखा हो, मैंने एम लिख दिया गलती से, मैंने वहां पे एम लिख दिया। एल का वैल्यू पी के लिए, देखो अब भी तुमने लिखा, एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री। देखो एल है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, तो दोनों के लिए वन 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 हो गया। और एक्स, एक्स के लिए भी एम का वैल्यू माइनस वन माना, तो वाई के लिए आपने प्लस वन माना, तो जेड के लिए आपने जीरो मान लिया। अब साई के इसमें निरूपण बन जाएंगे इस तरह से, इसको पी एक्स वाले को आप ऐसा लिख दोगे, देखो टू पी एक्स को आप ऐसा लिख दोगे, शाई ध्यान देना टू टू टू, ये हो गया एन एल एम, सब जान गए। टू पी वाई को आप ऐसा लिख दोगे शाई, ये देखिए एन का वैल्यू, ऐसा लिखना था वो बाहर वो लिखा गया, टू वन माइनस वन, ये है पी एक्स के लिए, टू वन माइनस वन, ये हो गया थोड़ा टू वन वन, ये माइनस ऊपर ऐसा लिख दिया, ये माइनस टू वन, एन एल एम लिखते हैं भैया, है ना, एन एल एम, मैंने एन ई एन ऐसे, मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे गलती। चलिए दूसरा टू पी वाई, टू वन वन, ये देखिए टू वन वन, एन एल एम। फिर टू पी जेड के लिए, टू पी जेड के लिए टू वन जीरो, सही रिप्रेजेंटेशन टू वन जीरो। आप बताओ ये आपको आ गया लिखना सबको, बोलो क्या आ गया लिखना सबको। अब ऐसे दें तो आप ऐसे लिख लेना एल एल एम, नहीं तो एन एल एम और टू 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 टू, नहीं गलत हो जाएगा, एन 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 नहीं लिखना, एन एल एम लिखना है, ठीक है। बताइए समझ आई बात की नहीं आई, ये सब पूरी yes, आज की क्लास समझ, पूरी क्लास आज की अच्छे तरीके से समझ आ गई आप लोग को, बताइए। yes, sir. बस ये आपका कभी आ जाए तो आप कैसे समझ सकते हो, कभी आ जाए तो आप कैसे समझ सकते हो, कैसे भी आपको आ जाए आप समझ जाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।